और हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कहना सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जगत जननी मां भगवती के शैलपुत्री के रूप में पूजन और अनुष्ठान की तिथि आज से प्रारंभ हुई। मैं सबसे पहले आप सभी शाहबाद विधानसभा क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जनपद के सभी बहनों और भाइयों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद कुरुक्षेत्र श्री नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुभाष कलसाना जी, जिलाध्यक्ष श्री सुशील राणा जी, विधानसभा के प्रत्याशी श्री गुमन सिंह जी, जिला प्रवासी श्री राघव लखनपाल जी, विधानसभा के प्रवासी अविनाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतनी समय के पूर्व शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे मतदाता बहन और भाइयों, कुरुक्षेत्र दुनिया के अंदर यह पहला क्षेत्र है जो युद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ धर्म क्षेत्र बन गया। धर्म क्षेत्र इसलिए बन गया क्योंकि सत्य, धर्म और न्याय के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत के ज्ञान विज्ञान की अपूर्णीय क्षति हुई, लेकिन कौरव दल जो अन्याय, असत्य और अधर्म के साथ थे, वे शक्तिशाली होने के बावजूद पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा था। ये वही भूमि है जहां युद्ध भूमि में दुनिया का सबसे तेजस्वी उपदेश दिया गया, और उपदेश किसी और ने नहीं, श्री द्वारिकानाथ वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया ने इसी धरती पर दिया था। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करने के लिए और दुर्जनों को राम नाम सत्य है के मार्ग पर भेजने के लिए ही प्रभु का बार बार अवतरण होता है। और बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में जनता भी उस जनार्दन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रत्याशियों को देती है, पार्टियों को देती है। और इसी बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आ जाया हूं। मैं देख रहा था जब मैं मंच पे मैं अपनी बात को कहने के लिए आया, मैं बैठा था, नवीन जी बोल रहे थे, सुभाष कलसाना जी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रभु श्री राम लला अब
अपनी पावन जनक भूमि में विराजमान हो रहे थे, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसकी आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हो? कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने घर में दीप न जलाए हो? अगर सच्चा भारतीय था, उसने खुशियां मनाई थी, दीपावली का एहसास कराया था दुनिया को। अयोध्या में 500 वर्षों के उस कलंक को धोकर के रामलला का फिर से विराजमान होना दुनिया की शोषित, पीड़ित, दलित सभी जातियों के लिए एक संदेश था, और वो संदेश था कि हर हाल में अगर भारत में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान हो सकता है, तो अगर दुनिया की वे सभी ताकतें एकजुट होकर के जो दलित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे भी एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उन्हें भी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बहनों भाइयों, संदेश भारत से गया, लेकिन ये भारत का ये संदेश आखिर हम सबको क्या कह रहा है? अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है, और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना, देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में। बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया, अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं, आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। आज अयोध्या एक नया एहसास करा रही है, विकास की, सुरक्षा की, समृद्धि की, और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अयोध्या इसका उदाहरण है, और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना, और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है, और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा
इसके दो अर्थ हैं, हरी भूमि अन्नदाता किसानों के परिश्रम का कि पावन भूमि है, लेकिन हरी आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरी का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना ये डबल इंजन के सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, माफिया ये समाज का, समाज के लिए सबसे, समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुनकर के भेजा। बहनों भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है। नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है। इस लड़ाई को श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला करवाया था। उनके स्तर पर किए जाने वाले तमाम कार्य, कहीं स्पोर्ट्स के लिए, कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, यह एहसास कराता है कि हर जनप्रतिनिधि अगर इतना ही जागरूक होकर के कार्य करने लग जाएगा तो बहनों और भाइयों, नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे बढ़ने के लिए और उनका सहयोग देने के लिए उसी तर्ज पर एक ईमानदार कर्मठ विधायक भी आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री सुभाष कलसाना को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, सुभाष जी पेशे से एक शिक्षक है, एक कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़े लिखे हैं, सज्जन है, शिक्षा के महत्व को जानते हैं,
नशा नाश का कारण है ये भी जानते हैं, खेल और खिलाड़ियों के महत्व को समझते हैं। विकास कैसे होना है, जब ये दोनों डबल इंजन मिलकर के, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के कार्य करेगी, तब विकास आपके द्वार तक पहुंचेगा, तब सड़क बनेगी, तब बिजली आएगी, तब पानी मिलेगा, तब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, तब सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार होनी बहुत आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यहां पर आज जो हमारे इस जनपद के प्रवासी प्रभारी के रूप में राघव लखन पाल और प्रवासी प्रभारी विधानसभा से अविनाश त्रिवेदी जी है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है, 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होता है, एक्सप्रेस हाईवे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, लगभग 7 लाख नौजवानों को वहां सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 2 करोड़ युवाओं को अब तक वहां पे निजी क्षेत्र में हुए निवेश में रोजगार के साथ जोड़ा जा चुका है। और डबल इंजन की सरकार का एहसास अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से देखा जा सकता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से देखा जा सकता है, प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ के माध्यम से देखा जा सकता है। आज कोई वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों में, किसी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व सिर उठा करके नहीं चल सकता, क्योंकि उसे एहसास है डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, यह सुरक्षा हर बेटी हर बहन को सुरक्षा देना जानती है, हर व्यापारी का सम्मान करना जानती है, समाज में सज्जन शक्ति के संरक्षण के लिए कार्य करना जानती है और दुर्जनों से ठीक से निपटने के लिए भी जानी जाती है। और इसीलिए आपका एहसास एहसान कराने के लिए मैं आ रहा हूं कि बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज शारदीय नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो चुकी है। बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ की तिथि और तृतीया तिथि को, तीसरी तिथि को आपको हरियाणा के भाग्य का फैसला करना है। और मेरी आप सबसे अपील है, ये माफिया को फिर से कभी मत आने देना, माफिया प्रवृत्ति को कभी मत पनपने देना, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा, देश के भविष्य में सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये माफिया, चाहे वह ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया, इस माफिया को कतई बर्दाश्त मत होने कर्म करिए। हरियाणा तो खेल और खिलाड़ियों की धरती है, ओलंपिक हो या एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स, सर्वाधिक मेडल देश के लिए हरियाणा का जवान लेके आता है और इस अपने रिकॉर्ड को बनाए रखिए। एक विकसित हरियाणा के लिए, एक धाकड़ हरियाणा के लिए सुभाष कलसाना आवश्यक है और इसी के लिए
कमल चुनाव चिन्ह पर 5 अक्टूबर को भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। श्री सुभाष कलसाना को चुनाव जिता करके भेजेंगे दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक आवाज पहुंच रही है मेरे साथ बोलेंगे, आपकी आवाज चंडीगढ़ तक भी पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज दिल्ली और लखनऊ तक भी पहुंचनी चाहिए। इतनी जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।